बहुत सारे प्रश्न आए हैं, मैं अत्यंत संक्षिप्त में प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद के पथ पर चलने के लिए हम लोगों को कैसे जागरूक करें? तो लोगों को जागरूक करने के लिए पहले हम स्वयं जागरूक बने, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। हम खुद सो रहे हैं भाई, तू जागरूक। स्वामी विवेकानंद ने कहा बी एंड वे, पहले तुम महान बनो फिर दूसरों को महान बनो, पहले तुम अपना चरित्र निर्माण करो फिर दूसरों का चरित्र निर्माण करो, पहले तुम स्वयं राष्ट्रभक्ति से पूरे भर जाओ फिर दूसरों को राष्ट्रभक्ति की सलाह दो, पहले खुद गुड़ खाना बंद करो फिर दूसरों को बोलो गुड़ मत खाओ। ठीक है, उत्तर ठीक आया? उत्तर ठीक है तो ताली बजाओ। स्वामी विवेकानंद के जीवन में सफलता पाने में जो कठिनाई होगी वो किस प्रकार होगी? बहुत प्रकार की कठिनाई आई, पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करना है। स्वामी विवेकानंद भारत का परिक्रमा कर रहे थे तो वाराणसी में गए, दुर्गा देवी का मंदिर का दर्शन करके बाहर जा रहे थे। उस समय कुछ बड़े बड़े काले मुंह वाले बंदर उनके पीछे लग गए। अब स्वामी जो घबरा करके भागे, आगे स्वामी जी दौड़ रहे हैं पीछे बंदर दौड़ रहे, आगे स्वामी जी दौड़ रहे पीछे बंदर दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते स्वामी जी थक गए। करें क्या, एक तरफ तालाब दूसरी तरफ दीवार, थक गए क्या करें? उसी समय एक वृद्ध सन्यासी ने कहा चिल्ला कर बंदर का सामना करो। जैसे स्वामी जी ने सुना स्वामी जी रुक गए, रुक करके उन्होंने बंदर की तरफ देखा और उनके पास दंड था, ऐसा घुमाया सब बंदर भाग गए, सब बंदर भाग गए। फिर स्वामी जी ने अमेरिका के लेक्चर में कहा था दैट डे आई लर्न वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेसन्स ऑफ माय लाइफ, व्हाट इज दैट? फेस द ब्रूस, फेस द डिफिकल्टीज, पशु का सामना करो, बंदरों का सामना करो, कठिनाई का सामना करो, कठिनाइयों का सामना करो, और यदि तुम कठिनाई से डरोगे कठिनाइयां तुम्हारे पीछे भागेंगी, कठिनाई का सामना करोगे कठिनाइयां भाग जाएगी। कठिनाई आएगी डट करके मुकाबला करो, सबका मुकाबला करो कठिनाइयां भाग जाएगी।